स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा शेरगढ़ पुलिस चौकी के आगे निजी बसों की मनमानी के खिलाफ धरना 10वें और क्रमिक अनशन 5वें दिन जारी है। शनिवार को क्रमिक अनशन पर सुधीर प्रताप बैठे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि 10 दिन से विद्यार्थी सड़क पर बैठा है और प्रशासन कुंभ करणी नींद में है। जिला परिवहन विभाग की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब भी प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो सोमवार से क्रमिक अनशन को बदलकर आमरण अनशन पर बैठेंगे और सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 10वें दिन शेरगढ़ पुलिस चौकी के आगे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा निजी बसों की मनमानी के खिलाफ हम 10 दिन से धरने पर और 5वें दिन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आज क्रमिक अनशन पर साथी सुधींदर विद्यार्थी बैठा है। हम कहना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर ना तो हनुमानगढ़ का DTO हाउस में आया, ना हनुमानगढ़ का विधायक हाउस में आया और रोज इस रोड पर हनुमानगढ़ से इलाहाबाद, हनुमानगढ़ से रास्ता रोड पर ओवरलोडिंग बसें, निजी बसें, बिना परमिट की बसें और जिन बसों का जिस गांव तक परमिट बना है, हनुमानगढ़ से थालड़का का परमिट बना है परंतु थालड़का तक बसें जाती नहीं है। ये हकीकत है उनकी, ना उनका कोई टाइम टेबल है परंतु प्रशासन सोया हुआ है। और हनुमानगढ़ DTO का भी 9वें 10वें दिन बयान आया कि विद्यार्थी किराए के लिए लड़ रहे हैं और किराए की बात हम कहना चाहते हैं। आप कितने बसों के आपने चलान काटे हैं आज तक? आप कितनी बसों को, कितने शिटर बसों को, कितने ओवरलोडिंग बसों को आपने रोक लगाई है?